सर सालों पहले ईश्वर को भी पता था कि एक दिन ई मेल, ई शॉपिंग, ई म्यूजिक, ई बुक, ई गवर्नेंस का भी आएगा, इसलिए इसने भी अपना नाम हजारों साल पहले ईश्वर रख लिया था। किसी ने कहा है कि जो लोग परिवर्तन के बाद बदलेंगे वे सिर्फ बचेंगे, जो लोग परिवर्तन के साथ बदलेंगे वे सफल होंगे, मगर जो लोग परिवर्तन का कारण बनेंगे वे दुनिया का नेतृत्व करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं, समय के साथ नहीं मगर समय से आगे चलना है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रेलवे मंत्रालय में आमूल परिवर्तन हुआ, लोगों को अनेकविध सुविधाएं प्रदान हुई। इसका श्रेय अगर किसी को देना है तो वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय श्री सुरेश प्रभु जी। मैं विनती करूंगा आपसे कि आप अपने कर कमलों से आयरिस टैबलेट का लोकार्पण करें और हमें संबोधित भी। आजना अवसरे मेहता साहेबे जी बात करी अने सैमसंग कंपनी ना वाइस प्रेसिडेंट सुकेश जैन जी जे बात करी आयरिस टैबलेट नो लोकार्पण माननीय रेलवे मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु जी ना कर कमलों थी थई रह्यु छे। शुक्रिया सर, और आपको इस सदन को संबोधित करने की कृपा करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजय भाई, अंजलि बहन, हमारे साथ में रहकर हमारा नेतृत्व करने वाले और सही रास्ता सही शब्दों से दिखाने वाले हमारे मित्र रूपाला जी, ईश्वर सिंह जी, बाबू भाई जी, मेरे साथी काफ़ी समय से साथ में काम करने वाले ज्योतिंद्र जी, मिस्टर केविन के जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय महानुभव, और मेरे सामने बैठे हुए सरकार क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी सहकारी साथी भाई बहन और सम्माननीय भाइयों बहनों, कल गुजरात राज्य का स्थापना दिन हम लोगों ने मनाया। गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य एक ही दिन उनकी स्थापना हुई। ये दोनों राज्यों में सहकार क्षेत्र बड़े पैमाने से फैला हुआ है। दोनों राज्यों में हम देखते हैं तो हम इस बात का एहसास रखते हैं कि दोनों राज्य ने जो प्रगति की उसके लिए दोनों राज्यों में रहने वाले लोगों को तो धन्यवाद देना ही चाहिए, लेकिन साथ में दोनों राज्यों ने सहकार क्षेत्र को भी अपनाया और उसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में प्रगति हुई। मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटा बच्चा था और मेरे गांव में मेरी माता माँ मुझे ले जाती थी तो सबसे पहले वो प्रबंध करती थी कि दूध कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दूध कोई मिलता ही नहीं था। और आज ऐसे दिन आ गए कि पूरे देश में ही नहीं तो हम हमारा दूध और देशों में निर्यात करने को भी तैयार हो गए। और रास्ता हमें किसने दिखाया? ये रास्ता हमें सहकार क्षेत्र ने दिखाया। एक दिन दूध के लिए तरसने वाले लोग आज शायद पानी नहीं मिलेगा लेकिन दूध की कहीं भी कमी नहीं दिखाई देती। और ये जो क्रांति हुई, धवल क्रांति हुई, उसका श्रेय पूरी मात्रा में गुजरात में रहने वाले किसानों को दिया जा सकता है और देने वाला ही है। और साथ ही में उस समय वल्लभ भाई पटेल जी,
बाद में कुरियन साहब ने उसको आगे ले चले, और इसलिए सहकार क्षेत्र के माध्यम से काम हुआ, किसानों ने करके दिखाया, लोगों को उसका लाभ हुआ। आज का कार्यक्रम डिजिटल लिटरेसी बनाने के लिए। एक दिन ऐसे था कि हमारी जब स्वतंत्रता मिली तो मैं हमेशा सोचता हूं कि गांधी जी उस समय पूरे देश में कैसे घूमे होंगे। गांधी जी के विचार से पूरा समाज, पूरा देश प्रभावित हुआ, अंग्रेजों को यहां से भाग के छोड़ जाना पड़ा, लेकिन उस समय हमारा देश, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, पाकिस्तान भी हमारे साथ था, इतना बड़ा देश था, उस समय लिटरेसी कितनी थी? 30-35% से भी कम लिटरेसी थी। लोग पढ़ नहीं पाते थे, लोग लिख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इतने बड़े मात्रा में लोगों को प्रभावित कैसे किया होगा, क्या माध्यम होगा? गांधी जी का माध्यम था उनकी खुद की पर्सनालिटी। उनका देखते ही लोग समझ सकते थे कि हमें क्या करना है। और जिससे हम कहते हैं नॉन ओरल कम्युनिकेशन, वो तो गांधी जी से भी और कोई सिखा नहीं सकता और कोई उसका पालन भी नहीं कर सकता। कम से कम कपड़ा डाल के उन्होंने कहा कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे देखिए भी आपको पता चलेगा कि देश की स्थिति क्या है। वो थी एक दिन की स्थिति जब लिटरेसी नहीं थी, उस समय भी हम लोगों ने कामयाबी पाई क्योंकि गांधी जी जैसे एक नेतृत्व मिला और उन्होंने पूरे देश में कम्युनिकेशन करने का काम किया। आज फंक्शनल लिटरेसी लाने की भी जरूरत नहीं है। लोग लिखेंगे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहे लिखना भी चाहे, उसके लिए विजय भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही माने में लोगों को लिटरेसी की जरूरत क्या है? कुछ ज्ञान पाने के लिए, लोगों में नहीं फंसा है इसके लिए, कुछ जानकारी के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और एक बात मैं समझता हूं, एक देश में एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, अलग अलग बिंदु में ला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका ऑल परवेजिव कोई बिंदु होगा तो यह है कि डिजिटल माध्यम से लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाना। और वो परिवर्तन लाने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं सोचता कि लिटरेसी किस तरह से हो। और भी लोगों को पढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, लोगों को पढ़ने के लिए क्लासरूम में आना पड़ेगा, वहां टीचर्स को लाना पड़ेगा, क्लासरूम बनानी पड़ेगी, लेकिन ये सभी चीजों को टालकर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उपलब्धि है कि हम सिर्फ हाथ में, कुछ लोग थे पहले, रूपाला जी भी उनको जानते होंगे, कि हाथ पे देखकर कह सकते कि आपकी जिंदगी कैसे होगी, लेकिन अभी हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है, हाथ में क्या है देखकर हम कह सकते कि आपकी जिंदगी कैसी बनेगी। यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो आपकी जिंदगी बदल गई, आपके हाथ की रेखा कैसे वो भी छुप जाएगी, क्योंकि आपके हाथ रेखा के ऊपर ही आपका मोबाइल आएगा। यानी आपको जिंदगी बनाने के लिए हस्तरेखा देखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बनाने के लिए हस्तरेखा छुपकर उसके ऊपर आप मोबाइल रखेंगे तो सबकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। और वो बदलने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने के लिए पूरे देश में एक नया अभियान चलाया। और इसलिए डिजिटल लिटरेसी हमें सभी समस्याओं को हल कर सकती है। टेली मेडिसिन मिल सकता है, टेली एजुकेशन मिल सकता है, बैंकिंग ऑपरेशन हो सकता है, लोगों की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और साथ में आपको कोई फंसा भी नहीं सकता है। कुछ लोग आज भी है, आप कहते हैं आप मुझे 5 रुपया दीजिए, मैं 50 रुपया 2 महीने में करके दिखाऊंगा। 5 भी गया, 50 तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन आज इसके माध्यम से यदि आप कोई आपको स्कीम समझाने की कोशिश करता है तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि सही माने में उसका असर क्या हो सकता है। और इसलिए डिजिटल लिटरेसी हमारे सभी माध्यमों को, सभी समस्याओं को हल करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकती है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, पूरे विश्व में ऐसे एक ही नेता है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या हो सकती है उसका सही माने में उन्होंने सोचा, और जो विजनरी होते हैं उनको सबसे पहले औरों के पहले बात पता चलती है। मुझे एक आदमी ने बताया, वो हमारा शिव खेड़ा जी विजय भाई मुझे बता रहे थे कि विजनरी क्या होता है। विजनरी यह होता है जो औरों से पहले कुछ बात को देख सकता है उसको विजनरी कहते हैं। सभी को सभी बात पता चलेगी, मैं भी देख रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं, आपको सब है, तो उसमें विजनरी की क्या बात हुई। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इवेंट होने के पहले देख सकते हैं
और सोच सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं कि देश किस तरह से बदलना चाहिए, उसको विजनरी कहते हैं। और इसलिए पूरे विश्व में डिजिटल रिवॉल्यूशन आने वाली है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे शायद नरेंद्र मोदी जी एकमेव नेता है विश्व के जिन्होंने वो आने वाली है उसके लिए देख के अभी कैसे आएगी क्या आएगी, जैसे कभी कभी स्टॉर्म होने वाला है तो कुछ लोग देखते रहते अभी देखेंगे स्टॉर्म कैसे आता है, कैसे पेड़ गिरेंगे, क्या गिरेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टॉर्म आएगा आई विल राइड द स्टॉर्म, और उस स्टॉर्म को मैं मेरे हाथ में रखूंगा, मुट्ठी में रखकर स्टॉर्म से नुकसान नहीं पहुंचने देगा, उसका एडवांटेज ले लूंगा। नरेंद्र मोदी जी आने वाले डिजिटल रिवोल्यूशन को राइड करके देश में रहने वाले आम आदमी के भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए काम करें, और वो काम करने की शुरुआत आज गुजरात में महिलाओं के लिए हमारे विजय भाई के हाथ से और हमारे अंजलि बहन से हाथ से हो रहा है। और इसके लिए बड़े बड़े नेता हमारे रूपाला जैसे है, मैं मानता हूँ उसके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी अच्छा दिन है। काम किसके लिए हो रहा है? महिलाओं के लिए हो रहा है। मैं मानता हूँ डिजिटल रिवोल्यूशन का लाभ तो सबको मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी, लेकिन खास करके हमें ध्यान देना है महिलाओं की ओर। जब तक महिलाएं नहीं बदलेगी तब तक समाज नहीं बदलेगा, और समाज जब तक नहीं बदलता तब तक देश भी नहीं बदलेगा। और महिलाएं हम कहते हैं 50% है, मैं हमेशा कहता हूं कि यदि हम लोग कहते हैं पैरालिसिस हो गया किसी आदमी को, क्या हो जाता है, हाफ द बॉडी काम नहीं कर सकती। पैरालिसिस के बाद आदमी जीवित तो रहता है लेकिन पूरी मात्रा में काम नहीं कर पाता। हमारा समाज यदि 50% जो महिलाएं हैं उनको पूरी मात्रा में आगे लाने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो पैरालिसिस हो गया ऐसा समझेंगे, और यदि पैरालिसिस होगा तो क्या समाज जीवित रह सकता है जैसे आज भी है। लेकिन महिलाओं को पूरी मात्रा में हम सशक्तिकरण कर सकते हैं तो ही सही माने में हमारा समाज बदलेगा, और उसी मात्रे से देश भी बदलेगा। और इसलिए समाज बदलने के लिए महिलाओं को बदलना जरूरी है, और उसके लिए उनके हाथ में आज एक मोबाइल रहना आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि महिला सशक्तिकरण हो गया तो कोई भी उसके पति का हाथ उसको मारने के लिए आगे नहीं आ सकता। मैं एक मेरी खुद की मिसाल देता हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो पति थे, लड़का था, भाई था, वो काम के लिए और जगह चला गया, मुंबई चला गया। कोकण में मेरा जो चुनाव क्षेत्र 4 टाइम लोकसभा चुन के आया, वह महिलाएं ज्यादा है। तो एक दिन जाके मैं स्पीच दे रहा था और मैंने 1,00,000 महिलाओं को, मेरी पत्नी ने और मैंने मिलकर 1,00,000 महिलाओं को एनजीओ के द्वारा हम लोगों ने 25 साल से उनको सशक्तिकरण करके पांव पे खड़ा किया। तो मैं बात कर रहा था महिलाओं के लिए, छोटा छोटे गांव था, लोग नीचे बैठे थे, मैं खड़ा रह के बात कर रहा था। जो सबसे सामने एक युवा महिला बैठी थी उसको तो पीछे वाले देख नहीं सकते थे क्योंकि उसका मुंह मेरे तरफ था। जो मैं कह रहा था कि कोई भी मर्द का हाथ आपको मारने के लिए आगे नहीं आएगा, वो तो रो रही थी। तो मैंने कुछ बोला और रोने लगी, तो मैंने मेरा स्पीच बंद किया, उसको बाजू के कमरे में ले गया। भाई आप रो क्यों रही थी? बोलती मैं तो मुंबई में काम कर रही थी, बहुत अच्छा तनख्वाह भी खा रही थी, अभी गांव में आ गई शादी के बाद, आज यहाँ पे मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, तो मेरी यही हालत है जो आप बता रहे थे, और रोने लगी। तो ये सही असलियत आज है कि जब तक हम महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करते, और मैंने तो कहा कि यदि आपके हाथ में मोबाइल होगा तो पति का हाथ आपके पास नहीं आएगा, और इसीलिए मोबाइल से आपको जो ताकत मिलेगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार से आपको जो काम करने के मौका मिलेगा, इसीलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करना डिजिटल माध्यम से करना, ये तो बहुत ही 21st century के आगे की बात है। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और खास करके हमारे ज्योतिंद्र भाई और उनके सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं तो सरकार क्षेत्र का एक कार्य कर रहा हूं। मैं तो सबसे बड़ी, जो देश की सबसे बड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सबसे बड़ी, उसका मैं सबसे युवा चेयरमैन था, 31 साल में चेयरमैन बना था, और उसके लिए उस समय से मैंने सहकार क्षेत्र में सब जगह पर काम किया। ज्योतिंद्र भाई हमने तो नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल सब जगह से लोकल लेवल तक काम किया है। तो ये मैं जानता हूं कि सहकार यही एक माध्यम है जो सही माने में समाज को बदलने का काम कर सकती है। इसलिए शुरू में मैंने कहा अमूल की एक मिसाल है, दूध के क्षेत्र में क्रांति हुई, आज हमें एक मौका मिला है कि सहकार क्षेत्र के माध्यम से यदि हम काम करते हैं तो उसका लाभ सब आदमी को मिल सकता है। क्योंकि ये हो सकता है कि निजी क्षेत्र आना चाहिए, उसको बढ़ोतरी भी देनी चाहिए, इस मत का मैं भी हूं, लेकिन वो भी काम करेंगे
अपने शेयरहोल्डर्स के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, कोई बात नहीं, करना चाहिए, उससे भी लाभ होता ही है, लेकिन साथ में यदि हम सहकार क्षेत्र से माध्यम से करते हैं तो सहकार क्षेत्र के जो भी सदस्य है उनका लाभ होता है, समाज का लाभ होता है, किसी एक व्यक्ति का बड़ा लाभ नहीं होता। इसके लिए समाज को बदलना है तो सहकार से सिवा कोई माध्यम नहीं है। हम लोग कहते हैं बिना सहकार नहीं उद्धार, तो मैं कहता हूं बिना सहकार के बिना समाज को कोई आधार ही नहीं हो सकता है। उद्धार तो बाद में होगा लेकिन आधार तो पहले चाहिए। आज भी आप कहीं भी जाएंगे, कमर्शियल बैंक में जाइए, वो पहले देखेगा कि आपने क्या पहना है, मेरे जैसे आदमी को शायद अंदर भी आने नहीं देंगे। लेकिन आप कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो लोग पहले आपको जानते हैं, आपके चेहरे को देख के सोचने वाले लोग हैं। तो सहकार क्षेत्र में समाज के प्रति जिस तरह से संवेदनाशील व्यवहार किया जा सकता है वो व्यवहार शायद और कोई नहीं कर सकता। समाज को बदलने का भी काम करेंगे और साथ में हमारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए भी काम करेंगे। और मैं जानता हूं सहकार क्षेत्र में भी ऐसा कोई नहीं कि सब लोग बहुत साधु संत बैठे, वो उसमें भी गलत लोग हैं, वैसे गलत लोग सब जगह है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जिसमें गलत लोग नहीं है? यदि समाज में कोई समस्या ही नहीं होगी, समाज में सब साधु संत होंगे तो सभी क्षेत्र में साधु संत मिलेंगे। लेकिन समाज में समस्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी समस्या है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर की समस्या दूर करने के लिए बात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के बिना काम हो सकता है ऐसा कभी भी हम नहीं सोच सकते। इसके लिए सहकार क्षेत्र को आगे लाना चाहिए, उसको पूरे मात्रा में सरकार का समर्थन भी मिलना चाहिए। सरकार और सहकार दोनों साथ में काम करेगी तो सही माने में समाज बदलेगा। समाज बदलने के बाद हम लोग आज एक बड़े माध्यम से, ये तो एक मीन्स ऑफ चेंज हो गया, लेकिन चेंज करने का एक बहुत बड़ा हाथ में हमारे जो साधन आया है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ से डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे विश्व में आने वाली। एक बड़े कंपनी, अमेरिकन कंपनी, टॉप 5 कंपनी के एक सीईओ हमारे देश में आए थे, उन्होंने कहा जो कंपनी डिजिटली कंप्लायंट नहीं रहेगी ऐसे कंपनी शायद आने वाले 10-15 साल में उनका कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो समझ लीजिए उसकी क्या ताकत डिजिटल रिवॉल्यूशन की आने वाली है। और यही ताकत आम आदमी के हाथ में देकर आम आदमी का जीवन बदलने के लिए हम काम करते जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे, तो मैं मानता हूं देश में सिर्फ डिजिटल रिवॉल्यूशन नहीं तो सही माने में सोशल रिवॉल्यूशन भी आ रही है। और उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे इसलिए यहां पर बुलाया, मुझे तो बहुत खुशी की बात हुई। मेरे को सिर्फ ईमेल भेजा हमारे ज्योतिन भाई ने कि कोऑपरेटिव सेक्टर का प्रोग्राम है, तो मैं बोला इमीडिएटली आ रहा हूं, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में हमें रूपाला साहब भी, हम लोग गए थे एक बहुत बड़े खेत देहात में गए थे, उस समय सब लोग डिजिटल अपना ये डिमोनिटाइजेशन क्या है क्या नहीं उसके ऊपर बहस चल रही थी, हमने हमने बोला बहस आप लोग करिए, हम लोग जाके किसानों की मदद करते हैं। तो मैं और हमारे रूपाला साहब हमारे प्रधानमंत्री के आदेशानुसार सब जगह जाकर किसानों को मिलकर उनको डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब समझाया। और आज ये बात हुई है कि सब लोग चाहते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, तो आज ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही है। आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय सहकार, जय गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश प्रभु सर आपका।